गैस यू बिलीव बट मेरी एल्बम आने वाली है उसमें मैं शॉन माइक्रोस का थीम सॉन्ग भी गाने वाला हूँ उसे मैं हजार डॉलर की बेचूंगा इसका मतलब कोई भी मेरी बेसुरी आवाज नहीं सुनेगा तो गैस जो में चैंपियंस ऑफ दर्ड मैथेतन एंड आज हम ऐसे मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हो आई मीन I mean, जो कि फैन फेवरेट हो सकते थे मैचेस जो कि काफी हाइप्ड मैचेस हो सकते थे लेकिन नहीं हो पाया फॉर सम रीजन जिसकी शुरुआत हम करेंगे थर्टी थ्री दो हजार सोलह में जैसी एजेस स्टाइल्स आए थे इतना तो पता चल गया था कि वो बिग स्टार बनेंगे जो कि वो उसी साल बने भी जब उन्होंने डब्ल्यू बी चैंपियनशिप भी जीती बट डिड यू नो

क्राउन ज्वेल में जो शॉन माइकल्स की एंट्री हुई है रिटायरमेंट के बाद आई थिंक उससे बढ़िया तो एज के साथ ही मैच था तो इसीलिए वेरी बैड डिसीजन अगला मैच so, है बिग शो वर्सेस शकील और नील को नहीं जानते बट बाहर जो है ही इज अ बिग डील बिकॉज ही इज एन ऑल स्टार एंड रेसल मीनियर्टी टू में जो द मेमोरियल बैटल रॉयल हुआ था बिग शो के एंट्रेंस के तुरंत बाद शिल नील ही आए थे एंड ये राइवरी बहुत टाइम से चल रही है जब शकील रॉ के रन मैनेजर बन के आए थे उस टाइम पर बिग शो के साथ भी उनकी काफी बहस हुई थी तो शकील ने प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन रेसलमेनिया में आएंगे और लड़ेंगे जो कि हुआ भी बट वन ऑन वन के लिए रेसलमेनिया के लिए कहा जा रहा था कि रेसलमेनिया 33 जो होगी उसमें ये दोनों आमने सामने आएंगे बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज़ उस टाइम पर कहा गया कि शकील ओनील जो है आउट ऑफ शेप है और वो मैच नहीं लड़ सकते जो कि काफी बुरी बात है बिकॉज एस बी ओनर डब्ल्यू डब्ल्यू में अगर सेलिब्रिटी मैच हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको एट पैक एप्स बना के और यहाँ पर उछल कूद करना है यू कैन स्टिल फाइट अगला मैच है ट्रिपल एच द रॉक फॉर थर्टी वन में इनके बीच हुआ था बहुत अच्छा फेस ऑफ जब ट्रिपल एच एंड द रॉक एंड स्टेफनी एंड रोंडा हाउसी एक साथ एक ही रिंग में थे रोंडा हाउसी ने तो ट्रिपल एच को बजा ही दिया था साथ ही साथ द रॉक एंड ट्रिपल एच का ये जो फेस ऑफ था ये एक्चुअली में लोग चाहते थे कि यार एक बड़े स्टेट

बट रेसलिनियर ट्वेंटी सिक्स ये दो हजार दस में डब्ल्यूडब्ल्यू का आइडिया था कि अंडरटेकर अंडर टेकर वर्सेज का मैच हो तो अंडरटेकर शॉन का इतना लेजेंडरी मैच सोचो होता ही नहीं अगर WWE का ये वाला डब्ल्यूब्ल्यू काम कर जाता रेसल मीनिया ट्वेंटी जैसे ही आने लगी थी पास डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान कर लिया था कि अंडरटेकर को ड्रूमैक इन टायर के साथ फेस करवाना बिकॉज लेट्स बी ऑनस्ट विंस विकमैन के पहले से प्लान थे ड्रूमैक इन टायर को टॉप स्टार बनाने का और सोचो उसी टाइम पर अगर मैच मिल जाता तो ड्रूमैक इन टायर अब तक तो बहुत चीजें अचीव कर लेते बट विंसमैन का दिमाग घुमा उनको लगा कि Mcintyre इस समय नहीं है उस चीज के लिए जिसके चलते Undertaker और और का एक बैंक में, में थे भाई सब दस साल वेट करना पड़ा बेचारे ड्रो मैकिन को एनिवे अगला मैच है सीएम ट्रिपल एच का 30. 30 जहां पर ट्रिपल एच का मैच होता डेनि के अगेंस्ट वहीं सीएम का कोई मैच नहीं था क्योंकि उस टाइम पर डब्लब्ल छोड़ चुके थे सीएम

ठीक है भाई दे दो। In the end करना तो मुझे फ्यूचर में कमेंट्री है एनिवेज इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा मैच एक्चुअली में होना चाहिए था आई थिंक स्टार शॉन माइकर्स के लिए ज्यादा अग्री करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद है तो और करो करो। चैनल को